मैम दो ग्रुपों में झगड़ा होता है कल और एक डॉक्टर को भी लगता है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये महाराष्ट्र सरकार में जवाब देना चाहिए और राज्य के गृह मंत्री ने जवाब देना चाहिए कि इस राज्य में हो क्या रहा है। अगर एक ऑफिशियल सरकारी अस्पताल में गुंडे घुस के एक डॉक्टर को मारने की हिम्मत करते, हिम्मत होती कहाँ से है? और ये सिर्फ एक डॉक्टर की घटना नहीं है, क्राइम राज्य में बढ़ाई है। मैं नहीं कह रही हूँ, आपके चैनल्स कह रहे हैं, चैनल और पेपर में मैंने पढ़ा है कि महाराष्ट्र राज्य में क्राइम बढ़ा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्रालय की है। तो गृह मंत्री जवाब दे कि क्या हो रहा है, उनको पूछना चाहिए आपने ये सवाल, और मैं तो पूछने वाली हूँ। जी आपने शेरी डॉक्टर से मुलाकात की है, क्या कहा? नहीं, वो पीड़ित है, दुख हो रहा है, उसकी माँ बाप का आप सोचिए, उसकी फैमिली का सोचिए। बच्ची इतनी मेहनत से एडमिशन मार्क्स लेके आई है, मेरिट पे बच्ची खड़ी हुई है, और जिस तरह उसको मारा है ये गलत है। और सरकार क्या कर रही है? गृह मंत्रालय और जो डिपार्टमेंट जिसका है, उन्होंने, उस दोनों मंत्रियों ने इंक्वायरी लगानी चाहिए कि ये कौन कर रहा है सब और कैसे हो रहा है। किसी को डर ही नहीं रहा इस पुलिस का इस राज्य में। मैम अगर शहर की बात की जाए तो शहर में भी पिछले कई महीनों से हत्याएं हो रही है, इस तरह के मामला हो रहे हैं, क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द होम मिनिस्ट्री। मैं कितने महीने से कह रही हूँ, दो चीजें हो रही है, पॉलिसी, ये 200 MLA का सरकार है, फिर भी देयर इज अ फुल पॉलिसी पैरालिसिस और फेलियर ऑफ होम मिनिस्ट्री। गृह मंत्रालय का फेलियर है, क्राइम बढ़ा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप ही कह रहे हो। तो लेट्स गो बाय डेटा ना, डेटा तो कह ही रहा है ये। तो इस राज्य महाराष्ट्र, ये छत्रपति का जी का महाराष्ट्र है, शाहू फुले अम्बेडकर जी का महाराष्ट्र है ये, यहाँ क्राइम नहीं इतना हुआ करता था। बटन धांधली से बिक रहा है औरंगाबाद में काफी ज्यादा। क्या हो रहा है? बटन बटन जो है नशे की जो गोलियां है, नशे की जो दवाई है, वो काफी, हाँ उसको बटन बोलते हैं, हाँ। तो काफी धांधली से औरंगाबाद में बिक रहा है। तो फिर कौन जिम्मेदार है इसके खिलाफ? होम मिनिस्ट्री कुछ करे, गृह मंत्रालय जवाब दो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।